धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला का प्लान। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जों की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। ये फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। इससे पहले उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले ही दिन उन्होंने प्रस्ताव पास किया था। वही कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा झटका है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी के बाद क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी, चलिए जानते हैं। प्रस्ताव को उमर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे सबसे पहले उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे का निर्णय केंद्र सरकार को लेना होगा। पूर्ण राज्य के दर्जों के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था, इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित करना, पुनर्गठन कर अधिनियम में बदलाव करना होगा। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होगी। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव होंगे। राज्य की विधानसभा का पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। साथ ही सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे सबसे पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी राज्य के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य की सरकार के हिसाब से होगी, उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। वही आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 से में बदलाव से व्यापार और टैक्स के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।